चांद पर विजय हासिल करने निकला चंद्रयान 2 अपने मुकाम के शिखर पर है। कुछ ही समय में विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाला है। पूरा देश और पूरा विश्व भारत के इस गौरव को लाइव देखेगा। दुनिया की निगाहें टिकी हैं इस मिशन पर। और बात करें नासा की, तो नासा भी इस मिशन को लेकर काफी उत्साहित है। दरअसल बात यह है कि चांद का साउथ पोल या कहें तो चांद का पोलर रीजन अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर थे। वहां पर ना तो कोई बड़ी एक्सप्लोरेशन चल रही थी और ना ही हम चांद के साउथ पोल के बारे में अच्छे से जानते हैं। भारत के चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर दुनिया का पहला ऐसा लैंडर होगा जो चांद के साउथ पोलर रीजन को स्टडी करेगा। आखिर क्यों है ये मिशन इतना अहम, और जानेंगे इससे जुड़े अनेकों सवालों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ आगे इस वीडियो में। क्या है चंद्रयान 2? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च करके भारत ने अपना पहला मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि भारत के सफलतम मिशंस में से एक रहा। चंद्रयान 1 ने चांद के पोल्स पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया और नासा ने इस खोज की पुष्टि भी की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद को एक्सप्लोर करने के लिए दूसरा मिशन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया चंद्रयान 2। भारत द्वारा चांद की ओर भेजा गया यह दूसरा मिशन है। भारत के इस मिशन पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि चंद्रयान का यह मिशन साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। कब और कैसे लॉन्च किया गया चंद्रयान 2? चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते 15 जुलाई को यह लॉन्च न हो सका। माना जाता है कि हीलियम लीकेज की वजह से चंद्रयान 2 का लॉन्च रोका गया था, जिसके बाद लॉन्च की डेट को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया था। कमी को जल्दी ही ठीक करते हुए इसरो ने 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 को दोबारा लॉन्च कर दिया, और इस बार का लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा। यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकेंड लॉन्च पैड से रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन पर लगा है कितना पैसा? एक अनुमान के अनुसार चंद्रयान 2 पर आने वाला कुल खर्चा है 978 करोड़ रुपए, जिसमें से 603 करोड़ रुपए इस मिशन पर लगे हैं, और 375 करोड़ रुपए की बड़ी राशि सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर लगी है। 978 करोड़ रुपए भले ही आपको ये रकम ज्यादा लगे, लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि नासा का LRO यानी कि ल्यूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर की कुल लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। LRO तो सिर्फ एक ऑर्बिटर है, लेकिन इसरो ने तो इसी मामूली रकम में तीन चीजें तैयार की हैं। कितने मॉड्यूल्स हैं चंद्रयान 2 में? चंद्रयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि इसमें तीन मिशन जुड़े हुए हैं। चंद्रयान 2 में तीन मुख्य मॉड्यूल्स हैं। पहला है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, दूसरा है विक्रम लैंडर और तीसरा है प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर चांद को ऑर्बिट करेगा तकरीबन 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतारा जाएगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर भ्रमण करेगा और चांद की सतह के बारे में अनेकों जानकारियां इकट्ठी करेगा। प्रज्ञान रोवर सीधे ही जानकारियों को पृथ्वी तक नहीं भेज पाएगा, बल्कि पहले प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर को जानकारी भेजेगा, फिर विक्रम लैंडर चांद को ऑर्बिट कर रहे ऑर्बिटर को जानकारी फॉरवर्ड करेगा, और फिर इसके बाद वो जानकारी ऑर्बिटर से होते हुए इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा रिसीव कर ली जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट का समय लग सकता है। कितना समय लगा चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में? भारत ने बेशक सफलतापूर्वक चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया है, लेकिन ये काम सिर्फ 3 या 4 दिन में ही हो जाता अगर भारत के पास एक ताकतवर रॉकेट होता। भारत का चंद्रयान 2 बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन ये भी इतना ताकतवर नहीं था कि चंद्रयान 2 को वो इतनी स्पीड दे सकता कि वो सिर्फ 4 दिन में ही चांद तक पहुंच जाए। उदाहरण के लिए एक बार फिर LRO को ही लेते हैं। LRO यानी कि ल्यूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर को 18 जून 2009 को रॉकेट एटलस 5401 द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 23 जून 2019 को इसे चांद के ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया गया था। लेकिन चंद्रयान 2 ने चांद तक पहुंचने में तकरीबन 28 दिनों का समय लिया,
चंद्रयान 2 को 20 अगस्त 2019 को चांद के ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था। दरअसल रॉकेट से वो स्पीड न मिलने पर इसने वो गति पृथ्वी के ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट या फिर कहें तो ग्रेविटेशनल असिस्ट द्वारा हासिल की थी। इसके लिए चंद्रयान को एक अंडाकार यानी कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में रखा गया। धीरे धीरे चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट कुछ मैन्यूवर्स और इंजन बर्न्स के सहारे अपना ऑर्बिट और बढ़ाता गया और इलिप्टिकल करता गया, जब तक कि चंद्रयान 2 चांद तक नहीं पहुंच गया। 20 अगस्त को चांद ने चंद्रयान 2 को अपनी ग्रेविटी की गिरफ्त में ले लिया और हमारा चंद्रयान 2 सक्सेसफुली मून ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इस समय कहाँ है ऑर्बिटर और लैंडर? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी चांद का चक्कर लगा रहा है तकरीबन 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में, और या फिर एग्जैक्ट कहें तो ऑर्बिटर 96 किलोमीटर गुना 125 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से अलग हो गया था। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब इसरो ने अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट के दो भागों को अलग किया हो। वैज्ञानिकों की लगन और कड़ी मेहनत से इसरो ने ये पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया। 4 सितंबर को मैन्यूवर्स के सहारे विक्रम लैंडर को 35 किलोमीटर गुना 101 किलोमीटर के करीबी ऑर्बिट में लाया गया, और अब इसरो की धड़कनें तेज होने वाली हैं क्योंकि अब विक्रम लैंडर का आखिरी पड़ाव है चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना। ये काम इसरो के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक तो इसरो इस तरह की पहली लैंडिंग को अंजाम दे रहा है और दूसरा एक जरा सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती है, इसलिए इस दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। धड़कनें रुक जाएंगी जब विक्रम लैंडर लैंड होगा। 7 सितंबर यानी कुछ समय बाद ही विक्रम लैंडर चांद पर उतरने वाला है। अभी विक्रम लैंडर की चांद से ऊंचाई सिर्फ 35 किलोमीटर है। सॉफ्ट लैंडिंग के समय धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम की जाएगी और इसके इंजन्स ऑन कर दिए जाएंगे जिससे कि इसकी स्पीड घटकर 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, लेकिन ये स्पीड सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद ज्यादा है। थोड़ा और नीचे आने पर इसका LPDC ऑन हो जाएगा, जिसका मतलब है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि चंद्रमा की सतह की जांच करेगा उतरने के लिए। सही लैंडिंग साइट मिलने पर इसे और नीचे लाया जाएगा। तकरीबन 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते विक्रम लैंडर की स्पीड तकरीबन 2 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी और अब इसके सिर्फ 2 इंजन्स को ही ऑन रखा जाएगा। इस समय यह चांद पर तैरता हुआ दिखाई देगा। 400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते ही ये अपनी लैंडिंग साइट को दोबारा से एनालाइज करेगा अपने अनेकों इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। इसके बाद 2 ही चालू इंजन्स के साथ ये पैराबोलिक पाथ पर आगे बढ़ेगा। तकरीबन 10 मीटर ऊपर इसके दोनों चल रहे इंजन्स बंद कर दिए जाएंगे और एक सेंट्रल इंजन चालू कर दिया जाएगा ताकि लैंडिंग साइट से धूल और सतह पर जमी रेत हट सके, और फिर टचडाउन सेंसर्स लैंडिंग को कंफर्म करेंगे। इसके बाद चंद्रयान 2 के सभी पेलोड्स डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। तकरीबन 3:55 पर प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आएगा और चांद की सतह को पहली बार छुएगा। इसके बाद तकरीबन 5 बजे प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स खोल दिए जाएंगे ताकि ये भी जल्दी से अपने काम को अंजाम दे सके। सोलर पैनल्स डिप्लॉय होने के करीब 5 मिनट बाद प्रज्ञान रोवर की भी रेस स्टार्ट हो जाएगी। ये करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चांद पर चलेगा। अपने वर्किंग पीरियड के दौरान प्रज्ञान रोवर कुल 500 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने दिनों तक काम करेगा ये मिशन? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर 1 साल के वर्किंग पीरियड के लिए बनाया गया है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 1 ल्यूनर डे यानी कि 14 अर्थ डेज के वर्किंग पीरियड के लिए बनाए गए हैं। अगर हो सका तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का समय बढ़ाकर 2 साल किया जा सकता है, पर लैंडर और रोवर की इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ताकतवर नहीं है कि वो चांद की रातों को झेल पाए, इसलिए लैंडर और रोवर का कार्यकाल 14 अर्थ डेज ही रहने वाला है। क्या काम करेगा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर विक्रम लैंडर और इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क बनाए रखेगा और साथ ही चांद के वातावरण की भी जांच करेगा। ये ऑर्बिटर चांद का पूरा मैप तैयार करेगा जिससे कुछ यूजफुल डेटा निकाला जा सके। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में कुल 8 पेलोड होंगे जो इसको चांद की स्टडी करने में मदद करेंगे। वहीं विक्रम लैंडर चांद की मिट्टी और लैंडिंग साइट की कॉम्पोजिशन आदि की जाँच करेगा
और इसमें मदद करेंगे विक्रम लैंडर के 4 पेलोड्स। विक्रम लैंडर एक जगह पर रहकर ही चांद के वातावरण आदि पर भी नजर रखेगा। वहीं प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलकर वहां की मिट्टी की केमिकल कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आदि को चेक करेगा। वहां पाए जाने वाले खनिजों की जांच पड़ताल, मिट्टी की थर्मल प्रॉपर्टीज और आसपास के वातावरण की भी जांच की जाएगी। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स हैं जो इसे हर वो काम करने में मदद करेंगे जिसके लिए इसे बनाया गया है। और हाँ, विक्रम लैंडर चांद पर पानी की भी पुष्टि करेगा। क्यों खास है चंद्रयान 2 मिशन? चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है और इसे भारत से ही ऑपरेट किया जा रहा है। चंद्रयान 2 के चांद पर उतरते ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने पहले चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और ऐसे सिर्फ 3 ही देश हैं, USA, रशिया और चाइना। इसके साथ ही भारत चांद के पोल्स पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, क्योंकि साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं गया है। चांद पर ये कीर्तिमान हासिल करने वाला भारत पहला देश होगा, और हो सकता है कि भारत चांद के साउथ पोल पर भारी मात्रा में पानी को भी खोज निकाले, जिसकी खोज चंद्रयान 1 ने की थी। फिलहाल तो हमें ये देखना होगा कि इसकी लैंडिंग हमारे यानी कि भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण और लकी साबित होती है, भारत को चंद्रयान 2 किस मुकाम पर लेकर जाता है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए शुभकामनाएं हैं हम सभी की तरफ से इसरो को कि ये मिशन सफलतम साबित हो। प्लीज एक बार ऑल द बेस्ट इसरो कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही और लाइव और स्पेस वीडियोस देखने के लिए।